आई एम श्योर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसके अंडर काम करते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि ये टोनी चोपड़ा को मारना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है. इसे मारना मतलब मौत के पेड़ में एक छोटा सा पत्ता काटना जैसा हुआ. संतोष शर्मा बिल्कुल सही कह रही हैं और इस मामले को हमें जड़ से खत्म करना होगा. मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे. हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए. करिश्मा सिंह, हमने करिश्मा सिंह को कह दिया है कि वो प्रोड्यूसर को मार दे. करिश्मा सिंह आपको रोकना होगा. करिश्मा सिंह हमारी बात ध्यान से सुनिए, आप इस प्रोड्यूसर को नहीं मार सकती हैं क्योंकि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रैकेट चलाता है. ये बहुत ही बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे लोग हमारे देश में भी मौजूद हैं. हमें अगर खत्म करना है तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा और सिर्फ इस प्रोड्यूसर के जरिए किया जा सकता है. इसलिए ये आदमी हमें जिंदा चाहिए, आप इसे नहीं मारेंगे एंड दैट्स एन ऑर्डर. अरे आप चाय नहीं पीनी है प्लीज सर. तो आपने तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. अभी हम निकलता, वो क्या है बेबी का योगा का टाइम होता ना. तो अभी हम निकल, मगर कल हमारा बेबी सही टाइम पर शूटिंग पर पहुंचता. अभी हम चलता. चलो थैंक यू. मैडम सर ये क्या किया आपने, हमारे निशाने पे था वो, एक गोली मारते पूरा टंटा खत्म था. करिश्मा सिंह हमने आपसे पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहे हैं, हमें इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे टेररिस्ट गैंग को जड़ से खत्म करना होगा और ये काम करने में ये टोनी चोपड़ा नाम का आदमी है हमारे काम आएगा. इसीलिए उसको जिंदा रखना फिलहाल के लिए जरूरी है. इस वक्त हमारी प्रायोरिटी उस बॉम्ब को ढूंढना है जिससे ये ब्लास्ट होने वाला है. डायरेक्टर ने कल का लोकेशन भेजा, कल वो चीफ मिनिस्टर का रैली निकलने वाला है ना, ये सुसाइड बॉम्बर वाला सीन उसी रैली में शूट करना होता. इसका मतलब इस आदमी का टारगेट सिर्फ मासूम लोग नहीं, चीफ मिनिस्टर भी हैं. हम इनके इस काम को कामयाब कभी नहीं होने दे सकते, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे. ओके करिश्मा सिंह, कल शूटिंग में करीना की जगह आप जाएंगी, आप उस बॉम्ब को हासिल करेंगी और हासिल करते ही तुरंत वहां से निकल जाएंगी. क्लियर? एक बार वो एक्सप्लोजिव हमारे हाथ लग गए फिर देखते हैं इन देश के गद्दारों का क्या करना है. जी मैडम सर. करिश्मा सिंह बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत संभाल कर चलना होगा क्योंकि मासूमों के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा है. जानते हैं मैडम सर, वचन देते हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है हम किसी बेगुनाह की जान नहीं जाने देंगे. ये सब मेरे वजह से होता, मैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, मेरे वजह से ये सिचुएशन आता, सब मेरे वजह से होता. नहीं करीना, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये आरडीएक्स जैसे लोगों की गलती है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले लेते हैं. हम वचन देते हैं मैडम सर, हम उनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे, उनको उनके किए की सजा हम जरूर दिलवाएंगे. बक्सी भैया होते तो उनके दिमाग में पहला प्रश्न ये आता. क्या था संतू ने तुम में देखा क्या? यही रहो, हम बुला के लाते हैं संतू को. जी फुआ जी. मुंह पे बेइज्जती हो रही है, मुंह पे बेइज्जती है तो कैसे पसंद किया तुमको, कैसे पसंद किया क्या ये? हाँ तो तुमको तो आदत है ना यार मुंह पर बेइज्जती सुनने का. हमारे समय ही तुम्हारा आत्मसम्मान उफान मार रहा है. तुमको क्या हो रहा है? वो पिक्चर का कहानी करके बता रहा था. ऐसे? हाँ उसको आदत है, ऐसा ही करता है वो. संतु जी आप तो इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा बेहतरीन लग रही है ना कि हमारा मन कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ के ना संतु. क्या हाथ पकड़ कर? बहुजी है तुम्हारी. और तुम? मैं क्या? ये पराया मर्द है, इसके हाथ पकड़ने की बात कर रहा है. नहीं नहीं बुआ जी, देवर जी ये कहना चाहते हैं कि वो मेरा हाथ पकड़ कर दोबारा चिरोड़िया जी के हाथ में देना चाहते हैं. हाँ
बक्सी भैया होते तो ये कहते कि जरूर कुछ गड़बड़ है। चतुर है बक्सी भैया को लगा है गड़बड़ है तो अब परीक्षा होगी। लिखो संतू तुम लिखना अपनी पसंद लिखना। मैं अपनी पसंद लिखता हूँ ना। तुम संतू की पसंद लिखोगे। ओके हाँ चलो टाइम अप। देखो संतू की पसंद है फेवरेट कलर पिंक और तुमने क्या लिखा है काला। काला ही था ना संतू जी। फेवरेट खाना संतू क्या कहती है डोसा आलू पराठा। भेजा फ्राई लो बताइए। कोई तालमेल ही नहीं है। कैसी उठपटांग शादी बनी है ये बक्सी भैया। हमको तो लगता है ये शादी समझौते पर ही चल रही है। अब हम एक काम करेंगे। हमने तय कर लिया है। बस क्या तय कर लिया है? हम इनके दम तोड़ते रिश्ते में प्राण फूकेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.